Good morning, students, and welcome to the maths class. Today I will discuss some word problems question on based addition and subtraction both. Okay, आज हम कुछ story problems question करेंगे जो कि हमारे addition और subtraction पर base है. ठीक है students, मैं आपको सभी questions की हिंदी बता दूंगी. ठीक है, okay, let me start. Question number 1. The population of a country was 5,23,10,725 in 2009. In 2010, due to an earthquake, 15,562 people died. In the same year, 8,476 new babies were born. What was the new population of the country in 2010? ठीक है, एक कंट्री की पॉपुलेशन 2009 में कितनी थी? 5,23,10,725 2009 में थी उस कंट्री की पॉपुलेशन. ठीक है, ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से 15,562 पीपल डाइड. ठीक है, अर्थ 2010 में अर्थक्वेक की वजह से कितने आदमी मर गए? 15,562. इन द सेम ईयर, उसी सेम ईयर मतलब 2010 में ही 8,476 न्यू बेबीज वर बॉर्न. 2010 में कितने नए बच्चे पैदा हुए? 8,476. What was the new population of the country in 2010? आया आपको क्वेश्चन समझ में स्टूडेंट्स? तो आपको देखो क्या करना है, जो 2009 में जो पॉपुलेशन थी उसमें से जो डाइड पीपल है उसे क्या कर दोगे? आप माइनस करोगे, देन जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें न्यू बेबीज जो पैदा हुए हैं उन्हें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. ठीक है, तो हमारी जो 2010 में जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. अ कंपनी सोल्ड 3,45,20,150 टॉफीज ऑफ टाइप ए, देन 2,75,800 टॉफीज ऑफ टाइप बी एंड 6,175 टॉफीज ऑफ टाइप सी. हाउ मैनी टॉफीज डिड द कंपनी सेल इन ऑल? एक कंपनी है जो कि तीन तरीके की हमारे पास यहाँ टॉफीज है, टाइप ए एंड टाइप बी एंड टाइप सी. तो एक कंपनी है जो टाइप ए की टॉफीज इतनी सोल्ड करती है, देन टाइप बी की इतनी सॉल्व कर रही है, देन टाइप सी की इतनी सॉल्व कर रही है. तो आपको बताना है कि टोटल टॉफीज कंपनी ने कितनी सेल सॉल्व की. तो आप क्या करोगे, इन तीनों को प्लस कर दोगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. देर आर 85,24,650 लेटर्स प्रिंटेड इन अ बुक. एक बुक के अंदर कितने लेटर्स प्रिंटेड है? 85,24,650. इफ 82,420 आर स्मॉल लेटर, यदि उसमें से 82,426 छोटे लेटर है, हाउ मैनी कैपिटल लेटर्स आर देयर? आपके पास देखो टोटल लेटर्स बुक में 85,24,650 है और उसमें से आपके छोटे लेटर्स हैं 82,426. तो आपको कैपिटल लेटर्स बताने हैं, तो आप जो टोटल लेटर्स है उसमें से स्मॉल लेटर को माइनस कर दोगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 68,47,51,923. दो नंबर का सम हमारा कितना है? 68,47,51,923. इफ़ वन नंबर, यदि उसमें से एक नंबर हमारा 39,84,60,025 है, तो हमें अदर नंबर बताना है.
तो जो भी हमारा सम ऑफ टू नंबर है उसमें से हम वन नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडिड टू 9,07,36,124 टू गेट 21,52,10,015। अब क्या कह रहा है, आप कौन सा नंबर ऐड करोगे, इस वाले नंबर पे आप क्या ऐड करोगे कि आपको ये नंबर मिल जाए। तो आप क्या करोगे, इस बड़े वाले नंबर में से इस नंबर को माइनस करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर इज 10,00,000 मोर देन द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है, यदि आप लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर में 10,00,000 को प्लस करोगे, सॉरी लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर में नहीं, लार्जेस्ट 8-डिजिट नंबर में, यदि आप लार्जेस्ट 8-डिजिट नंबर में 10,00,000 को प्लस करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लस करके देखोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 59,84,327 टू गेट 36,90,518। अब क्या कह रहा है, आप इसमें से क्या माइनस करोगे कि आपको ये नंबर मिले, तो आप इनको क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तभी तो आपको स्मॉलर नंबर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 9-डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर। अब आपको देखो, लार्जेस्ट 9-डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर, पहले आपको ये दोनों नंबर राइट डाउन करने हैं, देन उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मीन्स माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब आपको ये डिजिट दिखाई दे रही है, इससे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो अब ये कितनी डिजिट है, 8-डिजिट, तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो 8-डिजिट का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब इन डिजिटों को यूज़ करके आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। अब ये कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा लार्जेस्ट 9-डिजिट नंबर बनेगा। ठीक है, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिटों को यूज़ करके देखो कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आपको इनसे लार्जेस्ट 8-डिजिट नंबर बनाना है एंड स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर फॉर्म करना है, देन उनका क्या निकालना है, डिफरेंस मीन्स माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, मिस्टर सीना गोस विद हिज फैमिली टू शॉपिंग विद रुपीज 12,85,750। दे परचेज अ रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 1,75,000 एंड LCD TV फॉर रुपीज 96,875, अ कुकिंग रेंज फॉर रुपीज 46,790 एंड अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 28,925। हाउ मच मनी और दे लेफ्ट विद। मिस्टर सिन्हा अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं और उनके पास टोटल रुपीज़ कितनी है, टोटल मनी कितने हैं, 12,85,750। देन उन्होंने क्या क्या ख़रीदा है, परचेस मतलब और बाई मतलब दोनों मीन्स ख़रीदना ही होता है। उन्होंने एक फ्रिज ख़रीदा है जिसकी कॉस्ट है 1,75,000 एंड LCD TV परचेस किया है जिसकी कॉस्ट है 96,875 एंड एक कुकिंग रेंज ख़रीदा है उन्होंने उसकी कॉस्ट है 46,790। ठीक है, और एक वॉशिंग मशीन परचेस की है जिसकी कॉस्ट है रुपीज़ 28,925।
ठीक है। अब आपको बताना है कि उनके पास मिस्टर सिन्हा की फैमिली के पास कितने रुपीस बच गए। तो आप जो भी उसने ख़रीदा है, जैसे फ्रिज, एलसीडी टीवी, कुकिंग रेंज और वॉशिंग मशीन, इन चारों की कॉस्ट को क्या करोगे, सबसे पहले ऐड करोगे, तो उनकी जो टोटल मनी है वो आ जाएगी, ठीक है, जो उन्होंने खर्च किया ये सामान खरीदने पर, ठीक है। और फिर उन्हें जो उनके पास टोटल मनी थी 12,85,750, उसमें से उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जो उनके पास मनी बच गई है वो आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको इनके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी, आप अच्छे से फॉर्मेट बनाकर अपनी फेयर नोटबुक में उन्हें अच्छे से एक सुंदर हैंडराइटिंग में राइट डाउन करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और रिवाइज करोगे रफ नोटबुक में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।